इस खास प्रोग्राम में हम रोज़ाना आपके साथ रूबरू होते हैं, रोज़ाना आपसे मुलाकात होती है और हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं चंडीगढ़ के किसी न किसी वार्ड के किसी न किसी इलाके के मुअज़्ज़ज़ शहरी। आज इस वक्त हम वार्ड नंबर 6 में हैं। यहाँ के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मुख्य तौर पर मणिमाजरा, शांति नगर, गोविंदपुरा, राजीव विहार, रेलवे कॉलोनी, ये जो एरिया है ये इस वार्ड का हिस्सा है। ये जो पुराना वार्ड नंबर 25 था उसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब जब परिसीमन हुआ है उसके बाद से बदलाव हुए हैं तो इसको वार्ड नंबर 6 इस एरिया को बना दिया गया है। ये वार्ड भी महिला जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित वार्ड है। तो इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और अपने इस कार्यक्रम में हम यहाँ के लोगों की, यहाँ के नेताओं की, यहाँ के जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो हर फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनकी हम राय जानेंगे और उनसे ये जानेंगे कि यहाँ पर क्या दिक्कतें उनको रही हैं और किस तरह का निज़ाम आने वाले समय वो चाहते हैं, किस तरह का नेता वो अपना चाहते हैं, किस पार्टी की स्थिति क्या है, ये सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करा दूँ। दलविंदर सिंह जी हैं हमारे साथ, जो कि बहुत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। क्रांति शुक्ला जी हैं, इनका अपना समस्या समाधान टीम है इनकी, इलाके की समस्याओं को ये सुलझाना चाहते हैं। महिपाल शर्मा जी हमसे पहले भी जुड़ चुके हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव शर्मा ये भी हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं, आज भी यहाँ पर हैं। संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और उनके साथ पूजा वर्मा, खुशबू वर्मा है हमारे साथ, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। थापर साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुभाष धीमान जी हैं कांग्रेस से हैं, एस एस परवाना जी ये भी कांग्रेस से हैं और शांतिनगर के निवासी हैं, यहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत सिंह राजा जी हैं, श्रोमणी अकाली दल से हैं, और कुलदीप सिंह जी ये भी हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल। तो चूँकि ये महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिबेट में, हमने वैसे 4 नंबर वार्ड में भी डिबेट की, 5 नंबर में भी की, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ कोई महिला उम्मीदवार या कोई महिला नेता हमारे साथ मौजूद नहीं थी, ये हमारा दुर्भाग्य था। लेकिन आज हमारे साथ खुशबू वर्मा मौजूद हैं, तो हम शुरुआत खुशबू वर्मा के साथ ही करते हैं। तो खुशबू जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप कैंडिडेट हैं यहाँ से, यानी कि आप यहाँ से इरादा रखती हैं चुनाव लड़ने का? अच्छा, आप इसी क्षेत्र की रहने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है कि, और इससे पहले आप ही के पार्टी को यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका काम कैसा रहा है और क्या क्या काम ऐसे रह गए हैं जो आपको लगता है कि होने चाहिए? जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था हमारा पानी का, जो 24/7 हो चुका है सर, और ब्रिज का था, जो लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन में रेल आती थी वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक लग जाता था, और उसकी वजह से अब बिल्कुल ठीक है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सारे काम करवा चुके हैं हमारी भाजपा में, और आने वाले टाइम में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ही जीती। आपका क्या विजन, आपको क्या लगता है, क्या अगर आपको यहाँ की जनता आपको भेजती है हाउस में, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि ये काम में जो है सबसे पहले करवाना चाहिए? सब पहले तो मैं अपने जो हमारे वार्ड के जनता है मैं उनकी सेवा करूँगी, और सबसे पहले जो हमारे यहाँ के बस स्टॉप्स हैं उनको करवाना चाहूँगी, हॉस्पिटल हैं उनको कम्फर्ट, हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरी है कॉम्प्लेक्स में उनको हम वो करेंगे, हमारे मणिमाजरा में है रेलवे स्टेशन के पास वहाँ पर हम प्रॉपर रोड्स बनवाएंगे।
ठीक है, तो ये थी खुशबू वर्मा, यहाँ की युवा नेता। बड़ी अच्छी बात है कि युवा महिलाएं जो हैं इस तरह से आगे आ रही हैं और वो अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहती हैं। तो अब उसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ, हमारे साथ परवाना जी हैं, सबसे सीनियर मुझे लगता है इस पैनल में परवाना जी हैं और इस इलाके के निवासी भी हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर आपको लगता है कि क्या क्या समस्याएँ हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है अब तक और आगे आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है चुनाव। सबसे पहले मैं सारे को नमस्कार करता हूँ, सत्सकार बोलता हूँ, अच्छा भाई फतेह। मेरा नाम है एस एस परवाना, आल मणिवाजा सोशल वेलफेयर प्रधान हूँ और कांग्रेस पार्टी का मैं जिले का वाइस प्रेसिडेंट जी। और मेरा यही यह सुझाव कि जरा इन्होंने बीजेपी वाले ने काम किया, सानू परसदा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अपना जैसा कर रहे हैं ठीक ही है, लेकिन जी इन्होंने मोदी ने भाषण दिता से 2013 से 7 पैसे पेट्रोल का उस टाइम वजह से, मेरे पास उसका वीडियो भी मौजूद है, वो ऐसा कह रहा है मनमोहन सिंह जी आए ने प्रधानमंत्री एक मां शब्द नहीं बोले महंगाई बदले, तो उस टाइम का देखो तो अज उस समय 70 रुपये तो 75 रुपये 68 रुपये से पेट्रोल पंप पर लगता है कि भी महंगाई है जो सेंटर से हो रही है ना। नहीं नहीं, जो इलेक्शन ने ये स्थानक जो मुद्दे है उन्होंने लैके ज़्यादा लड़े जाते हैं, तो थोड़ा लगता है कि इतों के लोग इस करके वोट देंगे कि महंगाई बढ़ गई है या इस करके वोट देंगे कि भी उन्होंने सड़क ठीक हो गई या नहीं ठीक हो गई, इन्होंने वोट इस करके नहीं मिलेगा क्योंकि जो मसला है ना सारी प्रॉब्लम सारी जनता का है, ये सिर्फ इतों का मनीमारे का नहीं चंडीगढ़ का नहीं, महंगाई का मुद्दा ज़्यादा वा। नंबर दो जिहड़ा काम किया इन्होंने हुण आण के आखिर दे विच थोड़ियां सड़कां बनियां, जे देखिया जावे सड़कां उह तुसीं देखदे हो ऊपर रोड लै लो ढिलों तो सिनमे तो लैके ब्रिज तक किन्ने खड्डे पए होए, बड़ा बुरा हाल है, बंदे गिरदे आ डिगदे आ, असीं 2-3 वारी इन्हां नूं करके बेनती बुलाई भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी सड़क थोड़े पच लवाए आ, लेकिन ये जिहड़ियां ने हुण इस महीने जिहड़ियां मनीमारे थोड़ियां बनियां सड़कां, तो बाकी इंदिरा कॉलोनी में अंदर उन्होंने बना दिया पर इन्होंने प्रॉपर काम नहीं दिता जो करना चाहिए था इन्हों, तो असं यही चाहते हैं भी जी पार्टी आए साढ़ा तो यह मुद्दा हूँ, देखो करोना के साढ़े गिरी प्रधान बनाए इतने रवेश्वर गिरी मैं जिले के, उन्होंने 65 दिन लगातार लंगर घर घर पहुँचाया और जिन्हें भी सी ठीक है, हाँ जी आप सुरजीत सिंह राजा जी नाल गल करना राज साहब, तो जिवें इन्होंने गल की कि भी ये मुद्दे तो ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं, ज़्यादा मुद्दा इंपोर्टेंट महंगाई का, लेकिन तुम्हें तो लगता कि लोकल बॉडी का इलेक्शन हैगा, लोकल बॉडी के इलेक्शन का जो स्थानक मुद्दे ने वो ज़्यादा भारू रेंगे है। सर पहला तो मैं सारा सत श्रीकाल कहांगा जी जी, तो सर ये जो मुद्दे महंगी ने भी दसा भी साढ़े मुद्दे ज़्यादा नहीं है, पहला मुद्दा सर जो बीजेपी ने लेट उबेगा जी, जो बच्चों का ग्राउंड से ग्राउंड खेलने वास्ते उस जगह पर इन्होंने भी उत्थे 24 घंटे पानी वाटर का टैंक बना दिता है, उस तो सब तो ज़्यादा तो उत्ते मनीमारे आड़े बड़े उदास ने। नंबर दो जिहड़ा ओवरब्रिज बनया जी, ये बारे ये अज का नहीं, ये बड़ा पुराना पास होया जी, बनाया इन्होंने आके जी, पर पास बड़ा, पर उस तो बाद भी किन्नी बार वो टुटिया है तुम्हें भी देखा होना सर, जाके सड़क टुट जाती है सारी टुट जाती है सड़क, ठीक है सर। उस तो बाद सर मुद्दे तो महंगाई से भी बहुत मुद्दा है जी, असं लोगों के विचर रहे हैं, असं जाते भी हैं, मैं चंडीगढ़ स्टेट लैवल तो प्रधान भी हैं जी श्रोमणी अकाली दल तो, मैं जानता लोगों को मुद्दे इस चीज़ से कहते हैं भी महंगाई महंगाई ने मार दिए, पाने वाला तेल 100 रुपये लीटर खाने वाला 200 रुपये लीटर जी, तो जाए कितने लोग, तो बाकी इनके MC साहब आए नहीं, उन्होंने पता क्यों नहीं आए, उन्होंने सब पता है भी हूँ वोट तो मिल ही नहीं जी, BJP का बहुत बुरा हाल होने वाला है जी, आने वाले दिनों तुम्हें पता लग जाएगा श्रोमणी अकाली दल जित गए जी, प्रधान श्रोमणी अकाली दल इतने कोई गठबंधन नहीं, कोई गठबंधन नहीं, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन सा जी, और पंजाब दे विच काम कीते ने असीं जी, उही काम असीं चंडीगढ़ च करांगे, 19 वार्डां ते लड़ रहे ने, 19 वार्डां ते जित के असीं काम करके दिखावांगे, BJP नूं वी दसांगे किदां काम होंदे आ। चलो सुरजीत जी, कोल असीं फिर दुबारा आवांगे वापस, साडे नाल होर भी साथी हैगे ने, खास तौर ते आपां क्रांति शुक्ला जी जिहड़े इन्हां दा समस्या समाधान सेंटर जिहड़ा हैगा उहदे विच की काम करते हैगे ने और वहाँ पर ये क्या कुछ कर रहे हैं और इस वार्ड को लेकर उनका क्या कहना है, क्रांति जी आप बताइए। सर नमस्कार, पहले आप सभी को
पिछले 3-4 वर्षों से हमने अपनी एक एनजीओ बना रखी है, समस्या समाधान टीम, और हम मनीमाजरा यही पूरे चंडीगढ़ के अंदर हम काम कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा ट्विटर अकाउंट है, हमारे को हर एक जगह से समस्या आती है। मैं आपके पास यहीं आता हूँ। अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया कि वो आगे आने वाले अपने नगर निगम के चुनाव में क्या कार्य करना चाहते हैं, यानी वो उन्हें पता है कि यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं, तभी वो कह रहे हैं कि हाँ हमने ये चुनाव ये कार्य करवाने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर एक CTU का बस स्टॉप है, वहाँ बस क्यू शेल्टर नहीं है। पूरे चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने बस क्यू शेल्टर जो बने हुए थे वो तोड़ दिए, बस क्यू शेल्टर बिल्कुल भी नहीं है। मनीमाजरा के अंदर एक फौजी ढाबे के पास आपको बहुत पुराना बस क्यू शेल्टर मिल जाएगा, नहीं तो मनीमाजरा के आप किसी भी कोने में चले जाइए आपको बस क्यू शेल्टर नहीं मिलेगा। तो आज भी वो खबर लगी हुई है कि वो करीब 13 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। सर ये खबर काफी समय, सर मैं आपको बताता हूँ, इस पर मैंने बहुत काम किया बस क्यू शेल्टर पर। ये लोग, इन लोगों को ये पता है कि कितने बस क्यू शेल्टर हैं पूरे चंडीगढ़ में, इन लोगों को ये भी नहीं पता। टोटल 498 बस क्यू शेल्टर हैं, जिसका इन्होंने कई बार इन्होंने टेंडर निकालते हैं। टेंडर क्या निकालते हैं लोग, ये कहते हैं जो बनाएगा वही चलाएगा, यानी एक ठेकेदार बंदा जो CTU बस स्टॉप को बनाएगा वही उसको कंपनी को देगा और वो कंपनी चलाएगी। ये कहां तक की नीति है आपकी, यहां पर आप फेल हो रहे हैं। दूसरी चीज स्वास्थ्य की आपने बात करी, आप स्वास्थ्य की डिस्पेंसरी में चले जाइए, किस प्रकार से आपको वहां इलाज मिलता है आपको पता चल जाएगा, जबकि हम यहां पर एक हाईटेक इलाके में खड़े हैं। ये अगर आप कॉलोनियों में जाएंगे तो बद से बदतर हालत है। अगर हम इस हाईटेक इलाके के अंदर खड़े हैं और हमारे यहाँ की डिस्पेंसरी आपको वो जन सुविधा नहीं दे पा रही, तो आपने किस प्रकार का विकास किया है। उसके बाद हम बात करते हैं खेल के मैदान की। सर कल ही बाल दिवस था, आपके पार्षद ने और आपके चंडीगढ़ प्रशासन ने इस मनीमाजरा के यहाँ पर युवाओं को खेल के मैदान के जो छीनने के रूप में बहुत बड़ा बाल दिवस के इन्होंने जो गिफ्ट दिया है वो इनको आने वाले समय में इनको सब कुछ लौटाया जाएगा। चलो वो हम और भी कई चीजें हैं, हमारे पास समय की एक्चुअली थोड़ा कमी है, हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। अभी और भी साथी हैं, सबसे बात करनी है। तलविंदर जी तुम्हें दसो की लगता है कि दिक्कत है और अगे आने वाले चोणों के हो जा रहे हैं। सब तो पहला तो सारे सत श्रीकाल नमस्कार आदाब जी, मेरे नाम तलविंदर सिंह है, मैं वेलफेयर एसोसिएशन MSC कैटेगरी 4 का प्रेजिडेंट है, इतने तो पिछले 5 साल तो इतने प्रेजिडेंट है। इतने प्रॉब्लम ना इन्नी चल रही है जी, पिछले 5 साल तो BJP ने एक भी काम नहीं किया जी, ये काउंसलर रहे हैं जगतार सिंह जग्गा जी। सब तो पहला तो इतने इन्होंने वेंडर जोन बनाया से जी, वेंडर जोन जब बनाया से अजी एजिटेशन भी किया, पर इन्होंने कोई सुनी नहीं साड़ी। वो की होया सू कहते जी, असं लैटरिन बाथरूम और लाइटिंग का पूरा प्रबंध करा, वो अज तक नहीं होया जी। है दूजा नंबर बस क्यू सेंटर का जी, पास भी करता, वो अज तक ये रास्ते चौड़े नहीं हुए। ए किसी बंदे कोई मरीज बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए ना एम्बुलेंस बढ़ती ना फायर ब्रिगेड अंदर बढ़ती, इन्ना असं खुद परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान हो। यानी कि तुहानू लगता है कि BJP नू उथों करारी हार मिलेगी इस बारी की? BJP नू इत्थे तो पूरी करार मिल, पूरी हार, बड़ी तगड़ी हार मिलेगी जी। BJP वाले अपना मूल घुमाते फिरते हैं, सामने आके डिबेट भी नहीं कर सकते BJP वाले, सामने खड़े हैं। अच्छा ठीक, कोई गल नहीं, आप गल करते हैं फिर कौन जीतेगा कौन जी इतों अपना। शर्मा जी आप थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मत कहिएगा क्योंकि हमारा नमस्कार, मैं आम आदमी पार्टी से वार्ड नंबर 6 का इंचार्ज हूँ और RWA कॉम्प्लेक्स की है उसका मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी जी। बहुत ब्रीफ में कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इस इलाके का संबंध है, सफाई का बहुत बुरा हाल है। सबसे बढ़िया सबसे महंगी लोकेलिटी में हम लोग खड़े हैं, 1-1 करोड़ रुपये का यहाँ फ्लैट है, लेकिन यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है सैनिटेशन वो ठेकेदार के जिम्मे है। ठेकेदार को एक मुश्त रकम मिलती है, मान लीजिए 200 आदमियों की, डिप्यूट किए जाते हैं 50, बाकी 150 आदमियों के पैसे कहाँ जाते हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। बहुत बुरा हाल है। नंबर 2, इतनी बढ़िया लोकेलिटी के अंदर जिसका ये इंसेप्शन में आया था 1992-93 के अंदर, यानी अभी मुश्किल से 30 साल हुए हैं, और 30 साल के अंदर आलम यह है कि लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि गलियां संकरी हैं, मनीमाजरा पुराने शहर की तरह खुली सड़कें हैं, तो लिहाजा बहुत देर से गुहार लगाई जा रही है। गंदा पानी की जो समस्या है उसका निदान किया जाना चाहिए। जग्गा जी को भी मालूम है, सफाई के बारे में मालूम है। जग्गा जी ने अपने पार्षद फंड से सारे मनीमाजरा के अंदर कॉम्प्लेक्स में भी स्ट्रीट लाइट लगवाई। स्ट्रीट लाइट का ये हाल है कि जब जलनी चाहिए तब जलती नहीं, जब नहीं जलनी चाहिए तब जलती है।
देयर शुड बी सम सिस्टम। और इसके अलावा सारी बातों के लिए हमारे पास जगह जी तो एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि वार्ड नंबर 6 का हिस्सा कॉम्प्लेक्स के अलावा गोविंदपुरा भी है और माड़ीवाला टाउन भी है। यहाँ पे जब कंक्रीट गलियां बनी थी, किसी ने पॉइंट नहीं उठाया है, जब कंक्रीट गलियां बनी थी तो ये कहा गया कि इसकी उम्र 50 साल है, 3 साल के बाद उनको पेवर ब्लॉक में तब्दील करने का प्रोसेस चल पड़ा। वो 50 साल का दावा कहाँ गया, हवा हो गया। इसके क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था कि कंक्रीट की गलियां तोड़ कर पेवर के लिए बीजेपी को दोष नहीं दिया जा सकता ना, ये तो सर आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों को पूछ कर उनकी सलाह से प्रोजेक्ट लेके आती है, जो बीजेपी नहीं करती ना कांग्रेस करती है। पिछले 25 साल से कांग्रेस बीजेपी ने धोखा किया लोगों के साथ, इस बार सबक सिखाएंगे लोग। वर्मा जी आप देख रहे हैं काफी रोष है आपकी पार्टी को लेकर, और नहीं, सर विपक्ष के कोई मुद्दे तो है नहीं सर, अब ऐसे वैसे मुद्दे उठा के पार्टी जनता नहीं, 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 अगर मान लो सर की बात हो रही है, आपका सफाई नजर नहीं आ रही, आप मेरे साथ चलो कहीं भी आप, ये तो सर एक चाय वाले ने अपना डस्टबिन रखा, उसको क्या आप गंदगी कहोगे, उसकी ड्यूटी बनती है शाम को उठाना, ये ड्यूटी उसकी बनती है जिन्हें रखा है, आप सामने भी देख लीजिए, हमारे हमारे जो जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, उनका देख लीजिए अंडरब्रिज का, आज सभी अंडरब्रिज में इतनी इजी से निकल रहे थे, यहाँ पेशेंट कोई फंस जाता आधा आधा पौना घंटा घंटा वेट करनी पड़ती थी, पानी का हमने वादा किया था 24/7 का हमने उद्घाटन कर दिया, तीन गुने रेट करके पानी पार्टी ने स्टेडियम बनाया खेल के लिए, जो खेल का स्टेडियम है पिछले एक वर्षों से उसके खेल के स्टेडियम की ग्रिल की दीवार टूटी पड़ी है, मैंने प्रशासन से लेकर के यहाँ के पार्षद तक उस बारे चेता दिया, आज अभी जाकर के आप देखिएगा वो ग्रिल अभी भी आपको गिरी हुई दिखेगी, आज तक इन्होंने अगर कोई व्यवस्था लाई है तो आप बता दीजिए, सारा व्यवस्था हो चुकी है, कोई ग्रिल नहीं, आप सर आप अभी सर मेरे साथ चलिए लाइव, सर आपको अभी लाइव आपको दिखा देंगे, आप मेरे साथ चलिए, कोई परमानेंट तो होता है होती है, लेकिन अगर कुछ गिर जाए इसको ठीक से, एक वर्षों से एक वर्षों से गिरी है, जो स्टेडियम बनाया उसकी एंट्री फीस कितनी है पूछो ना, सर जो सरकारी बनाया उसकी कोई एंट्री फीस नहीं है सर, वो सरकारी है, ये ब्रिज को बनाई जा रही है, नहीं कोई फीस नहीं है, सरकारी है जी, वो सरकारी है, मैं आपको एक बात बताऊं, फीस है 2500 रुपए जो, नहीं नहीं सर है, सर है आप भी चले जाओ जिसको सपोर्ट, सर मैं टाउन में रहता हूँ, बहुत अच्छा है सर, सारे अच्छा बना हुआ है, अब आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप जहाँ खड़े यहाँ सर सीटीओ का बस स्टॉप नहीं है सर, आप बीजेपी वाले 35 इन्होंने अंडर ब्रिज बनाया सर, जिस दिन बारिश आ जाए ना वहाँ से निकल कर इतना पानी होता है कि बंदों का बुरा हाल है, कुछ भी नहीं होता है, निकासी होती है पानी की, सभी अंडर ब्रिज हमेशा डाउन बनते हैं, उसकी निकासी का पानी रखा होता है, कभी कोई कूड़ा फंस जाए ये उसको भी मुद्दा बना देते हैं सर, तो आपको लगता है कि इस बार फिर से भारतीय जनता सर हम 35 सीटें जीत रहे हैं जी, जबकि उनका तो कह रहे हैं कि इस बार भारी करारी हार आपको मिलने जा रही है, जनता ने फैसला कर ही देना 19 तारीख तक वेट कर ले, चलो ठीक है जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जी, तो ये थे हमारे वार्ड नंबर 6 के निवासी, जिनकी बात आपने सुनी, जहाँ समस्याएं भी हैं और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको डिनाई भी किया गया है, तो कुल मिलाकर स्थिति क्या बनती है ये अब आने वाला समय बताएगा, थोड़ा सा समय बाकी रह गया है चुनाव आने में, मुझे लगता है आजकल में कैंडिडेट अपना नोटिफिकेशन हो जाने के बाद कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद हम समझते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो भी हमारे साथ इस तरह की डिबेट में शामिल होंगे और हम ज़्यादा मीनिंगफुल डिबेट कर सकेंगे। नमस्कार, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।